आ जाओ यहाँ पर, आओ यहाँ जल्दी से आओ, आओ यहाँ। देखो 17 लिखो, 17 नहीं पता, अच्छा जाओ जाओ आप आ जाओ, अच्छा लोग रहे हो आप पहले, हाँ चलो आ जाओ तुम्हारे, आ जाओ आप आ जाओ, देखो 29 29 देखो 39 39 आप आ जाओ, आप आ जाओ चलिए, देखो 47 47 47 उधर नहीं लिखो बेटा, इधर देखो बोर्ड की तरफ देखो, 47 लिखो। अच्छा पैकेट की नहीं है, 47 लिखो बेटा, 47 लिखो, ठीक है जो भी हो खुलता है। अच्छा चलो तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम आ जाओ बेटा। अच्छा तुम्हें और कौन है, हाँ आ जाओ जल्दी से आओ, लिखो 58 50 58 58 आपको कवर कर, 58 लिखो बेटा, 58 लिखो, आप किसी और बच्चे को बुलाइए। कोई संख्या बोलिए, 69 लिखो, ऊपर आप करके लिखते हैं, 69 67 67 देखिए सर, हम जो गिनती बच्चों को अभी तक पढ़ाए हैं वो उसमें ही क्या है, हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 के बाद हमारा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 और 20 के बाद फिर ऐसे ही लाई जाएगी। ये हम इस तरीके से बच्चों की कॉपी में लिखना हमने बताया, लिखना इस तरीके से बताया है। और जब हम गिनती पढ़ाते हैं बच्चों को कंपनियों में खड़ा करके तो भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके पढ़ाते हैं। और इकाई दहाई स्प्रिंट करके भी हम उच्चारित करवाते हैं, वो तरीका वो है, एक तरीका ये दो चीजें हैं। तो हमारा एक जो लिखने बोलने का तरीका, जो बोलने और पढ़ने का तरीका है वो तरीका, उसमें जो टेक्निक है उसमें जो स्किल है और लिखने में जो स्किल छिपी हुई, दोनों कॉमन है। उसमें क्या कॉमन है, जब हम बोलते हैं तो हम गिनती का जो सक्सेसिव ऑर्डर है, क्रमागत क्रम जो है, 1 2 3 1 2 के बाद 3 आएगा 3 के बाद 4 आएगा, ये बच्चों को हम बताते हैं, सिखाते हैं, क्रम सिखाते हैं बच्चों को और उसका प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, दो चीज होगी। इसके बाद जब बच्चों को हमने लिखना सिखाया तो इसमें भी हम वही चीज सिखाते हैं, क्रम ही बता रहे हैं, बच्चा क्रम ही देख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत अच्छा है। हम अभी तक ये करते रहे हैं, हम बच्चों को गिनती एक तो बोलना सिखा रहे हैं, दूसरा लिखना भी सिखा रहे हैं, लेकिन दोनों में जो बेसिस है वो कॉमन है। क्या कॉमन है, सक्सेसिव ऑर्डर। तो हमारे जो हमने सोचा अभी तक जो हमने पाया कक्षा 6 7 8 में भी बच्चे इकाई दहाई नहीं बता पा रहे हैं और गिनती लिख नहीं पा रहे हैं संख्या, उसकी वजह हमने जब तलाशी तो हमको ये लगा कि बच्चा लिखने में भी वही चीज पा रहा है और
बोलने और कहने में वही चीज पा रहा है, तो हम कुछ क्यों ना डिफर करें। तो हमने कुछ नया सोचा है, वो प्लान हम आपको देके जा रहे हैं, आप इसको प्रयोग कीजिएगा। और ये हमारा प्लान है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इसमें 10 आता था, 10 इसमें नहीं आएगा। हमारा 0 से स्टार्ट होगा, 9 तक रहेगा। अब हम बच्चों को ये गणित के प्रतीक है, संख्याओं का ये प्रतीक है, कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी होगी उसमें यही अंक होंगे 10, 0 से 9 तक, और कुछ नहीं आएगा। तो हम बच्चों को केवल इतना बता दें, ये बता दिया हमने। अब इसके बाद हम बच्चों को उनकी जो खानेदार कॉपी होती है उसमें हम किस तरीके से दवाई लिखने पर सब एक हो जाएगा, क्योंकि जीरो के बाद एक आता है तो दवाई के बाद ये एक हो जाएगा। अब इसमें इकाई हमारा बदलेगा जीरो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब जब 20 हमारा आएगा तो 20 ऊपर आ जाएगा और ये पूरा 9 तक यहाँ बदल के आएगा। फिर इसमें 3 दहाई 0 इकाई 3 दहाई 1 इकाई से लेकर 3 दहाई 9 इकाई तक आएगा। फिर इसके बाद ऐसे 4 दहाई 0 इकाई 4 दहाई 1 इकाई से लेकर 4 दहाई 9 इकाई तक आएगा। और फिर जो है ऐसे आप, अब इसमें देखिए हमको क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है कॉलम वाइज हमारा डिजिट 0 to 9 चेंज हो रहा है, हमारा इकाई जो चेंज हो रहा है कॉलम वाइज चेंज हो रहा है, और जो दहाई चेंज हो रहा है वो हमारा 0 to 9 में भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम बच्चे को 0 से 99 तक संख्याएं बताएंगे। अब इस विधा में और इस विधा में अंतर क्या है उसको मैं बताना चाहता हूँ। इसमें इसकी जो बेसिस थी वो केवल सक्सेसिव ऑर्डर बता रही थी, यहाँ पर जो बेसिस है बच्चे को सिखाने का जो बेस है वो यहाँ पर बच्चा प्ले कर रहा है, बच्चे को एक गेम मिल रहा है, वो एक लेकर यहाँ से यहाँ आया, 0 को लेकर यहाँ से यहाँ आया। और बच्चा प्रोनाउंसिएशन जो हम उसको बोलना सिखाते हैं उसमें ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं, हमें उसकी चिंता नहीं करनी, वो दूसरी प्रक्रिया है, ये दूसरी प्रक्रिया है। रीडिंग स्किल अलग है और स्पीकिंग स्किल अलग है, वो हम अलग से सिखाते हैं, वो बच्चा समाज से भी सीखता है, घर में सीखता है, वो उसको सिखाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन इसको सिखाने के लिए केवल हम, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी में कमी ना रहे उसके लिए ये प्रक्रिया है, ये सोची गई प्रक्रिया है, ये बच्चों पर आप हमको अप्लाई करनी है, क्योंकि हम तो प्राइमरी में हमें मौका मिलेगा नहीं पढ़ाने का, हम जूनियर में है, ये हमारी केवल एक सोच है, आप इसे अप्लाई करिए और बच्चों की जो खानेदार कॉपी हो उसमें एक एक खानेदार गैप करा के दीजिए, जिससे भरने को उसको बच्चे को भरने में और मजा आए। तो अभी अगर आप सर मिस्टेंटली आपके राय पूछे तो आपको अंतर कुछ है? बिल्कुल अंतर है, यहाँ पर आपने यहाँ पर सिर्फ वन डिजिट आ रही है, लास्ट में टेन हो गया, मतलब लोड टू डिजिट हो गया। हाँ, इसमें जो है एक रोम में जो है वन डिजिट इसमें है, अब यहाँ से इसमें लेते हैं सब टू डिजिट है, इसमें भी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब इधर से मान लिया किसी लड़कों को नहीं आ रहा है, नौ तक लिखती आ रही, तो 0 से 9 तक इधर लिखा आपने, और इसके बाद 0 से 1, 2, 3, 4, 5 मान के इधर लिख देंगे, उसके बाद 0 से 1, 2, 3 यहाँ 0 से 9 भरते जाएंगे हर बार में, उनका जो है 0 से 9 तक बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। आपकी उम्मीद क्या है? ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, ये राइटिंग स्किल के लिए बेस्ट वे है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बच्चा क्या खेल भी रहा, उसको सिर्फ 0 से 9 तक पर ही ध्यान देना है, उसे 0 से 9 तक जो है एक पंक्ति में और 0 से 9 तक दो और कालम के दोनों में लिखा जाएगा, उसके बाद 0 से 9 तक हर पंक्ति में लिखा जाएगा, 99 तक बहुत आसानी से जो है तैयार। वास्तव में ये है दो संख्याओं का बनाना, और हमें बच्चे को याद क्या कराना है उसको, भाई जो प्रतीक चीजें होती हैं उसको तो बताना ही पड़ता है, तो अब 0 से 9 तक बता दिया, उसके बाद दो संख्याओं का बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। तो बच्चा हमारा यहाँ से फॉर्मेशन सीखेगा और आगे चल के उसको फॉर्मेशन ही तो करना है, उसको कुछ याद थोड़ी करना है, केवल फॉर्मेशन करना है। तो बच्चा हमारा यहाँ से जब खेल खेल में उसको बनाने लगेगा संख्याओं को, आगे चल के हमको लगता है बहुत मजबूती आएगी, बच्चा कुछ भी लेगा उसको भाग नहीं लगेगा।
अच्छा बच्चों से कोई बच्चा ऐसे समझ पाया है जो हम बताए? प्रिया सर भाई समझी? अच्छा ठीक है, तो जो है फिर दूसरी बार आएंगे तो तुम लोगों को सर बताएंगे तुम लोगों को फिर से क्लास में।